1965 में आज ही के दिन अमेरिका के विवादित नेता मालकोम एक्स की न्यूयॉर्क में हत्या कर दी गई थी। जब वे अपना भाषण शुरू करने वाले थे तभी उनके 400 समर्थकों के सामने उन्हें गोली मार दी गई। 39 वर्षीय मालकोम एक्स को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक वे दम तोड़ चुके थे। ऐसा माना जा रहा था कि इस घटना को अंजाम देने वाले लोग नेशन ऑफ इस्लाम नाम के गुट से जुड़े हुए थे। नेशन ऑफ इस्लाम के नेता एलिजा मुहम्मद के बाद मालकोम एक्स उनकी जगह लेने वाले थे। हालांकि उन्होंने संगठन को 2 साल पहले ही छोड़ दिया था। वे अपना खुद का एक संगठन बनाने वाले थे जिसका मकसद उन अफ्रीकियों को मौका देना था जो इस्लाम धर्म को अपनाना नहीं चाहते थे। हालांकि मक्का में अपनी यात्रा के दौरान उन्हें श्वेत लोगों के प्रति नर्म रुख अपनाते हुए दिखा गया जो काफी काले लोगों को पसंद नहीं आया। पुलिस का कहना था कि जांच रिपोर्ट से लगता है कि मालकोम एक्स के ही समर्थक उनसे बदला लेने की कोशिश कर रहे थे। 1972 में आज ही के दिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन की ऐतिहासिक यात्रा पर गए थे। एक सप्ताह के शिखर सम्मेलन का मकसद अमेरिका और चीन के बीच 20 साल के तनाव को खत्म करना था। उनकी यात्रा माउथ से तुंग से मुलाकात से शुरू हुई। चीन ने निक्सन की यात्रा को एक सकारात्मक कदम बताया था। चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ इन लाई ने चीन और अमेरिका के बीच लंबे तनाव की ओर इशारा किया और दोनों सरकारों को एक दूसरे से संपर्क साधने की कोशिशों के लिए बधाई दी। ताइवान में राष्ट्रवादी तत्वों को मिलने वाले अमेरिकी समर्थन से चीन को आपत्ति थी। इस यात्रा की कूटनीतिक उपलब्धि ये थी कि शंघाई ज्वाइंट कम्युनिक पर सहमति बनी जिसके तहत ताइवान को चीन का भाग माना गया था। हालांकि इसके कुछ सालों बाद ताइवान एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना था। 1998 में आज ही के दिन भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता ओम प्रकाश का निधन हुआ था। ओम प्रकाश खुशमिजाज तबीयत के थे और किस्सा लतीफा गोई बड़े चाव से किया करते थे। वह हंसी मजाक और लतीफों का ऐसा समा बांधते थे कि भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। ओम प्रकाश ने करीब 350 फिल्मों में काम किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में पड़ोसन, जूली, 10 लाख, चुपके चुपके, बैराग, खानदान, चौकीदार, लावारिस, आंधी, लोफर, जंजीर आदि शामिल हैं। नौकर बीवी का उनकी आखिरी फिल्म थी। महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्मों में वह खासे सराहे गए। नमक हलाल के दद्दू और शराबी के मुंशी लाल बनकर ओम प्रकाश ने सिने प्रेमियों के दिलों में एक अलग जगह बनाई। 1999 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसे लाहौर घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। लाहौर घोषणा पत्र में दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने देशों के मध्य शांति, स्थिरता और अपनी जनता की प्रगति पर जोर दिया था। दोनों देशों ने इस बात को स्वीकारा कि सुरक्षा संबंधी वातावरण में परमाणु आयाम के जुड़ जाने से दोनों देशों के बीच संघर्ष से बचने की उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति वचनबद्ध रहेंगे। लाहौर घोषणा पत्र में दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि उनकी अपनी अपनी सरकारें जम्मू कश्मीर के मुद्दे समेत सभी मुद्दों के समाधान के लिए अपने अपने प्रयासों में तेजी लाएंगी, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से परहेज करेंगे और मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देंगे और उनकी रक्षा करेंगे। 2000 में आज ही के दिन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था। इस दिन को दुनिया भर में मौजूद विभिन्न भाषाओं की विविधता को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। दरअसल 1999 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया था। इस दिन को उन शहीद छात्रों को समर्पित किया जाता है जिन्होंने बांग्ला भाषा के इस्तेमाल के अधिकार के लिए तब मुहिम छेड़ी जब बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ था और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद 1948 में पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। इस दौरान पूर्वी पाकिस्तान में इस फैसले का कड़ा विरोध हुआ। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों और कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। विरोध रोक पाने में नाकामयाब होने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई जिसमें 4 छात्रों की मौत हो गई। कड़े संघर्ष के बाद 1956 में बांग्ला भाषा को पाकिस्तान में आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला।